हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सूजी और कच्चे आलू का बहुत ही टेस्टी नाश्ता। बच्चे हो या बड़े, इस नाश्ते को देखकर सभी खुश हो जाएंगे एक बार जब आप इस नाश्ते को बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये नाश्ता कैसे बनता है, मैंने कैसे बनाया है और ये बनाना बहुत ही आसान है। मात्र 10 मिनट में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है गैस पर कढ़ाई। इसमें मैंने डाला थोड़ा सा 2 चम्मच के लगभग मस्टर्ड ऑयल। इसमें डालेंगे हम कच्चा जीरा, फिर इसमें डालेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च, फिर इसमें मैं डाल रही हूँ ग्रेट किया हुआ अदरक और थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती ऐड कर देंगे इसमें। और इन सभी को थोड़ा सा हल्का सा हम क्रिकल होने देंगे। जब ये क्रिकल हो जाएगा तब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कटोरी के लगभग पानी। आप किसी भी चीज़ का आप नाप ले लीजिएगा, क्योंकि हमें इसी ही नाप से हमें बाकी की चीज़ें ऐड करनी है। अब यहाँ पर मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला, इसको अच्छे से मिला दिया है। आधा नींबू का रस लेंगे, इस तरीके से गाड़ देंगे, इसको भी हम अच्छे से मिला देंगे। अब पानी में थोड़ा सा हम एक उबाल आने देंगे और पानी में जैसे उबाल आ जाएगा तब हम डाल देंगे इसमें 1 कटोरी ग्रेट किया हुआ कच्चा आलू। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप किसी कटोरी का नाप ले लीजिएगा, उसके इसी से हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। अब क्या करेंगे, इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी के लगभग सूजी। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों चीज़ हमारा 1-1 कटोरी गया है, लेकिन पानी यहाँ पर 2 कटोरी गया है। आप ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा, 2 कटोरी पानी और 1 कटोरी सूजी। यदि आप 2 कटोरी सूजी ले रहे हैं तो आपको 4 कटोरी पानी की ज़रूरत है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको मिला दिया है। गैस का फ्लेम यहाँ पर आपको लो टू मीडियम रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे आपको इस तरीके से पकाना है। ये बहुत ही जल्दी एक डो फॉर्म में आ जाता है। ये डो फॉर्म में आ चुका है, मैं इसे निकाल लेती हूँ और निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ठंडा हो चुका है। इसको इतना ठंडा करना है कि आप अपने हाथों से इजिली आप इसे छू सकें। तो यहाँ पर मैंने इतना ठंडा कर लिया, उसके बाद हाथों से हमें इसी तरीके से मैश कर लेना है और दोबारा से हमें इसको मैश करते हुए एक डो जैसा हमें इसे बना लेना। अब हाथों को थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे और क्लीन करके हाथों पर थोड़ा सा हम तेल लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा लगाएंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा पोषण लेंगे और इसके बाद हमें इस तरीके से पहले हमें इस तरीके से ऐसे चिकना जैसा कर लेना है। फिर उस तरीके से हमें इस तरीके से प्रेस करके हमें इसको एक कटलेट का शेप देना है। लेकिन ये मैं कटलेट से बड़ा बना रही हूँ, टिक्की जो होता है ना उससे भी मैं इसे बड़ा बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैं इस तरीके का बना रही हूँ, आप जिस तरीके से बनाना चाहते हैं आप उस तरीके से बना सकते हैं। ऐसा देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप लोग इसी तरीके से बनाना चाहते हैं इसी तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैंने सभी को बना लिया और ये देखिए मात्र हमारा 1 कटोरी सूजी में कितना सारा हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया। मात्र आपके पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है 2 छोटा चम्मच गेहूं का आटा और इसमें मैंने डाला है कुटी हुई लाल मिर्च और इसमें डालूंगे मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। फिर उसके बाद इसमें डालेंगे हम पानी और पानी को ऐड करके हम इस तरीके का थोड़ा सा पतला बेटर हम तैयार कर लेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर हमारा जो ये नाश्ता है ना, एक बार हम बेटर को अच्छे से मिला देते हैं। फिर जो हमारा ये नाश्ता है ना, एक नाश्ता को हम उठाएंगे और इस तरीके से हम जो है इसमें ये देखिए इस तरीके से हम इसमें डीप कर देंगे और उसके बाद उठाते ही डायरेक्ट हम इसे कढ़ाई में डालते जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने तेल को काफ़ी अच्छी तरीके से गर्म किया है। गैस का फ्लेम यहाँ पर मैंने मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। नीचे से जब ये पक जाएगा तब हम इसे इस तरीके से हम इसे पलट देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम दोनों को पलट देते हैं। उलटते पलटते हमें इसको काफ़ी अच्छे तरीके से फ्राई करना है। जब तक इसका एक प्यारा सा कलर नहीं आ जाता है तब तक हमें इसे फ्राई करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से कलर आ गया है, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये नाश्ता सूजी से बनता है तो ऊपर से क्रिस्पी होता है और हमने यहाँ पर जो है गेहूँ के आटे का बेटर का यूज़ किया, इससे ये तेल बहुत ही कम एब्जॉर्ब करता है। तो इसी तरीके से मैं सभी को बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा सुपर टेस्टी हमारा सूजी और कच्चे आलू का नाश्ता बनकर हो गया तैयार। यह है ना, बनाना बहुत आसान और कम समय में बन जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना क्रिस्पी बना, जितना क्रिस्पी ऊपर से अंदर से बहुत सॉफ्ट है। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ इसे। ये देखिए ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, एकदम पका हुआ ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। आपको बहुत ही पसंद आएगा, एक बार आप लोग इस नाश्ते को जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर कर दीजिएगा। इससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। मेरी वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।